हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आई होप आप लोग सब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे 67th का, जो कि हमारा 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 45 डे रिवीजन सीरीज किया था 67th एग्ज़ाम के लिए, जो 8 मई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके बाद से कोई भी क्लासेस नहीं हुआ था। तो अब हम लोग फिर से एग्ज़ाम के, जैसे कि अभी एग्ज़ाम का 12 दिन बचा हुआ है, तो 10 दिन तक हम लोग क्लासेस करेंगे 28 सितंबर तक। तो 28 सितंबर तक हम लोग लगभग 15 आपके मॉक टेस्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो 15 मॉक टेस्ट के माध्यम से लगभग हम लोग 2000 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, 2250 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और उन प्रश्नों को डिस्कस करने के बाद आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगा और आप एक एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 45 डे जो सीरीज चलाया था, ये 45 डे सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर सवालों को डिस्कस किया था, साथ साथ हम लोगों ने बहुत कुछ डीपली एनालिसिस किया था। तो 45 डे रिवीजन सीरीज जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिन्होंने देखा वो तो बहुत अच्छा, उनको एक तरह से प्लस पॉइंट है कि ये भी हमारा जो 15 मॉक होगा ये भी देखेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा सवालों के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने दो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया था, जिसमें 10 से 10 मॉक टेस्ट थे। तो वो आप लोग उन मॉक टेस्ट को भी डिस्कस उन मॉक टेस्ट को एनालिसिस करिए। मॉक टेस्ट अगर नहीं दे पाते हैं तो केवल पीडीएफ को लेके उनको एनालिसिस करिए डेली दो कम से कम। अभी जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रश्नों पर डिस्कस करें। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा आपको कोई थ्योरी कोई वीडियोस नहीं देखना है, केवल आप जितना ज़्यादा सवाल डिस्कस कर सकते हैं उतना डिस्कस करें, ठीक है। तो 45 डे रिवीजन सीरीज को आपको देखना है, दो के स्पीड में देख करके देखिए, लेकिन आप उसको देखिए कम से कम 20-25 वीडियो तो देखिए। लास्ट के 10 से 15 वीडियो प्रीवियस ईयर के हैं, तो जिनका प्रीवियस ईयर कंप्लीट है तो वो उनको नहीं देखेंगे, जिनका कंप्लीट नहीं है प्रीवियस ईयर तो वो पूरा 45 डे सीरीज वाला वीडियो जरूर देखिए, दो के स्पीड में करके देखिए, डेली 2 से 3 वीडियो देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 से 15 वीडियो लंबा है 1 घंटे का, लेकिन फिर बाद वाला सब वीडियो 25-20 मिनट का है, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस में मैंने इतना अच्छा सवालों को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा है, ये हम लोग अभी 10 दिनों के अंदर 15 मॉक टेस्ट करेंगे, और ये इसमें हम लोग 150 प्रश्नों को करेंगे, फुल मॉक टेस्ट होगा 150 प्रश्नों को। मैथ के सवालों को डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के सवाल अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपका 10 सवालों में 20 मिनट चला जाएगा, तो उससे अच्छा है कि उनको हम स्किप करेंगे, खुद से आप लोग रिवाइज करिए। और हम लोग जो बाकी 140 प्रश्न होंगे जीएस वाले उनको डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। और ये जब भी आपका ये मॉक टेस्ट ये जब स्टार्ट हो तो आप लोग पहले वीडियोस को पॉज कर करके, नहीं ऐसा करिए, आप लोग ऑनेस्टली जो भी सवाल रहेंगे 150 उनमें से कितना सही कर पाते हैं ये भी आप लोग एक बार करिएगा। जैसे ये मैं आज करवाऊंगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि मैंने इतना इसमें सही किया, ठीक है, और इतना हमारा रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो उससे आपको पता चला कि आप कितना आपका तैयारी अच्छा है, ओके। और हम लोग 150 सवाल हम डिस्कस करेंगे ही आंसर, लेकिन आप लोग एक बार ऑनेस्टली पूर्वक आप लोग चीज़ों को करिएगा, ओके। तो आज का जो हमारा सवाल होगा 150 सवाल लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप लोग चीज़ों से, इधर आपका हिंदी में सवाल है, इधर आपका इंग्लिश में सवाल है, तो जिनको हिंदी में समझ में आता वो हिंदी वाला चीज़ों को देखेंगे, जिनको इंग्लिश में आता वो इंग्लिश वाला चीज़ों को देखेंगे, ओके। तो सवाल नंबर पहला कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। जो भी दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए भारत का पहला रेडियो चैनल का नाम क्या है, तो वो है रेडियो एक्स। रेडियो एक्स नागपुर में चालू किया गया है और ये जो भी दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर सवाल की बात करेंगे तो कह रहा है कि कौन से स्टेट के फिग को GI टैग मिला है, या आप कह सकते हैं कि GI टैग पहले से उन फिग को मिला हुआ है, मतलब अंजीर, ठीक है, जो यूरोप के लिए एक्सपोर्ट किया जाएगा सबसे पहली बार। तो यूरोप के लिए निर्यात किया जाने वाला जो अंजीर है पहली बार वो है महाराष्ट्र का। कहाँ क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जगह पुरंदर, पुरंदर की संधि आपको याद होगी, तो पुरंदर का ये फिग है, अंजीर है महाराष्ट्र का, वो कहाँ एक्सपोर्ट होगा उसका, तो वहां उसका एक्सपोर्ट यूरोप में होगा पहली बार, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो भी हमारे बिहार के GI टैग मिले उनको भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड नंबर सवाल कर रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए
अब जो गली क्रिकेट बोल सकते हैं, ठीक है, तो बच्चों के लिए जो गली क्रिकेट है, स्ट्रीट चाइल्ड है, ठीक है, तो वो उसका जो विश्व कप की मेजबानी 2023 में जो करने वाला है वो करने वाला है इंडिया। तो इंडिया अभी हाल में कौन कौन से वर्ल्ड कप हो या कोई फुटबॉल या कुछ भी ऐसा चीज है जो मेजबानी करने वाला है इंडिया, उसको एक बार आप लोग ध्यान से डिस्कस मतलब करने का मतलब याद रखें, क्योंकि सवाल आते हैं। ओके, साथ ही साथ इंडिया के अलावा आप देखिए कि फीफा का आयोजन कहाँ कहाँ होने वाला है वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो भी समिट्स हैं, ओके, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, उनका कहाँ कहाँ आयोजन होने वाला है, कौन होस्ट करने वाला है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा एक बार आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से मिले इस डाटा को आप लेके। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से, मॉक के माध्यम से करवा देंगे, ठीक है। तो इंडिया आप लोग स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का कहीं ना कहीं करने वाला है मेजबानी 2023 में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 4 कहता है, विच इंडियन डुओ बैग देयर फर्स्ट इवर गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप। जो कह रहा कौन सा भारतीय जोड़ी है उन्होंने स्क्वेश में स्वर्ण पदक जीता, अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो वो हमारा उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। 4 का तो उत्तर होगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, दीपिका पलिकल और सौरभ घोषाल। दीपिका पलिकल और सौरभ घोषाल जो है वो वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीता है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 कहता है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल। आईपीएल के 14 साल के इतिहास में वैसा कौन पहला प्लेयर है जिसको रिटायर्ड आउट हुआ, जो रिटायर्ड आउट मीन्स क्या होता है ना कि खेल के बीच में से वो हट जाते हैं, ठीक है, वो रिटायर्ड, चाहे कोई किस इंजुरी के माध्यम, अगर कुछ इंजुरी हो गया तो हट जाएंगे या कुछ ऐसा हो तो वो बीच से ही हट जाते हैं, ठीक है, आउट नहीं होते, मतलब मीन्स कहने का होता है रिटायर्ड आउट हो जाते हैं कि मतलब नहीं, हम अब यहाँ से नहीं खेलेंगे, तो वो है रविचंद्रन अश्विन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। ओके, आगे चलते हैं, किस कंट्री ने अभी हाल में अनाउंस किया है कि इंडियन बनाना और बेबी कॉर्न के लिए एक तरह से मार्केट एक्सेस करने के लिए, ठीक है, भारतीय जो केला है और जो बेबी कॉर्न है उसको बाजार में पहुंच कर प्रदान करने के लिए कौन से देश ने अभी अनाउंस किया, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा कनाडा। कौन हुआ? कनाडा। ओके, तो ये सर इंडिया के जो फ्रेश बेबी कॉर्न है और इंडियन बनाना है इंडिया के, वो कनाडा के लिए एक्सपोर्ट होंगे, तो कनाडा अथॉरिटी ने इस चीज की मंजूरी दी है, तो कनाडा हमारे सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग हम लोग कमेंट करके बताइएगा कि कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सा सीमा रेखा है जो दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की लेकर हम बात करेंगे, तो गीतांजलि श्री कब लिखा हुआ किताब था, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने, ठीक है, गीतांजलि श्री का लिखा हुआ बुक था, उसको ट्रांसलेट किया डेजली रॉकवेल ने, किताब का नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड किताब का नाम था। ओके, तो इसलिए इसका उत्तर हमारा होगा नन ऑफ द एबो, मीन्स कि इसमें दो उत्तर हमारे, ठीक है, तो ई उत्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड किताब का नाम था। ओके, पहला नोबेल है इंडिया इंडिया का जो हिंदी से ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में और उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 8 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 8 कहता है कि विच नवल शिप स्टार्टेड इट 40 नेशन वॉयज लोकायान, ठीक है, 2022 इन अप्रैल 2022। यहां पे कह रहा है कि किस नौसैनिक जहाज ने 2022 में अपनी 14 राष्ट्र यात्रा लोकायान 2022 की शुरुआत की है, तो वो जो है उसका अगर हम बात करेंगे तो 8 का उत्तर होगा INS थरंगिनी। INS थरंगिनी जो है, या तरंगिनी बोल सकते हैं, INS तरंगिनी जो है इसने अपना 14 राष्ट्रों का मतलब कहने का मतलब कि यात्रा करेगा, ठीक है, और ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तो ये करंट अफेयर आप देख सकते हैं, तो INS तरंगनी इस सवाल का उत्तर होगा। उसके बाद कह रहा है कि इन विच कंट्री रिसर्चर्स हैव फाउंड न्यू स्पेसिस ऑफ ह्यूमन डब्ड एज द होमो लॉन्गी, मतलब कहने का मतलब कि मनुष्य का एक प्रजाति, आप बोल सकते हैं मानव की एक प्रजाति का खोज किया गया है, तो पूछ रहा है कि किस राष्ट्र ने इसका खोज किया, तो हमारा उत्तर होगा चाइना, ठीक है, चाइना उत्तर होगा, जिसका नाम रखा प्रजाति का क्या, होमोलोंगी, होमोलोंगी नाम रखा है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, चाइना, चाइना ही सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। सवाल नंबर 10 कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड वर्ल्ड में कौन है, तो वो हमारा ताज होटल, ठीक है, ताज होटल ब्रांड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड है उसको मतलब रेटेड किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब सबसे मजबूत होटल ब्रांड के रूप में यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, ताज होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 11 कह रहा है कि पहला जेनेटिकली मॉडिफाई, मीन्स कह रहा है कि
संशोधित अनुवांशिक रूप से संशोधित है, या जीएम बोल सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई बोल सकते हैं, रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो ये सवाल बहुत ही दिनों से आ रहा था, इस सवाल का उत्तर तो हमारा ऐसे आसाम होगा, ठीक है, तो आसाम इस सवाल का उत्तर, ठीक है, 11 का डी होगा। पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है, जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने इस चीज को इसको डेवलप किया है, तो ये पहली बार आसाम में प्लांटेड किया गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि वीमेन 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप, देखिए 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप वीमेन का स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ था, तो ये देख सकते हैं 2025 वाला, 25 वाला जो 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप, सॉरी 50 ओवर वाला 2025 का जो वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करने वाला है? तो वो होस्ट करने वाला है इंडिया। अब ये स्ट्रीट वाला देखें, वो भी इंडिया होस्ट करने वाला है। 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप वाला है, ये भी इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आईसीसी T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है, ठीक है, आईसीसी T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वीमेंस वाला, वो करेगा श्रीलंका। 2027 में श्रीलंका जो है वो क्या होस्ट करने वाला है? आईसीसी T20 चैंपियनशिप, ठीक है, वीमेंस वाला, ये श्रीलंका करने वाला है, इस बात को ध्यान रखने का। सवाल नंबर आगे चलेंगे 13 नंबर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कह रहा है कि राइट टू फॉरगॉटन, भूलने का जो अधिकार है, ठीक है, राइट टू फॉरगॉटन जो है वो किस मतलब कहने को किस राइट में उसको रखा गया, किस अधिकार में रखा गया, बताना है इस सवाल का। इस सवाल का उत्तर होगा, अभी हाल में केस था तो उसके माध्यम से इसको राइट टू प्राइवेसी, ध्यान रखिएगा राइट टू प्राइवेसी है उसमें इसको डाला गया है, किसको? राइट टू फॉरगॉटन को, थोड़ा इसको हमको याद, हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए तो हमारा कंप्लीट हो गया सवाल नंबर, चलते हैं 14 की ओर। और भी आपको सारे याद ही होंगे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस में आता है, लाइवलीहुड किस में आता है, राइट टू फ्रीडम किस में आता है, फंडामेंटल राइट मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया, तो वहां भी आप लोग चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम करेंगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन बजट 2022-23, कुल मिला कह रहा है कि 2022-23 का जो बजट आया, ठीक है, यूनियन बजट की बात कर रहा, बिहार का नहीं, तो हर एक रुपया में सरकार के कहने हिस्से में कितना रुपया जाता है वो बताया गया, ठीक है। अगर एक रुपया मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, एक रुपया का अगर जीडीपी अगर हम बात करें, एक रुपया है तो उसमें सरकार के हिस्से में कितना जाता है, गवर्नमेंट के मतलब कहने का मतलब कॉफर में कितना रुपया जाता है, सरकारी खजाने में कितने रुपये प्राप्त होते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 पैसे अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों से, उधार से 34 पैसा, मतलब एक रुपया में 8 पैसा, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 2 पैसा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें सही कौन है। तो 14 नंबर की अगर हम बात करेंगे, ओके 14 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इस सवाल का उत्तर होगा डी, ठीक है, 2 पैसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट से। अगर कोई भी नॉन डेट कैपिटल रिसीट, अब ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या है? गैर ऋण पूंजी प्राप्ति, या बोल दिया गैर ऋण, मतलब देखिए एक दो तरह के हमारे पास रिसीट होते हैं, कैपिटल रिसीट होते हैं और एक रेवेन्यू रिसीट होते हैं। रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है? जो टैक्स वैक्स से पैसा आया तो रेवेन्यू रिसीट में आ गया। कैपिटल रिसीट में क्या, अगर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो वो कैपिटल रिसीट के अंदर आता है, ठीक है, ओके, और कहीं से हमने लोन लिया तो कैपिटल रिसीट के अंदर आता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि गैर ऋण, हमें लोन नहीं लेना, लोन वोन सा वाला पैसा नहीं, तो वैसे रिसीट जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि हमने कोई भी हमारे जो सरकारी कंपनियां हैं या कोई भी सरकारी हमारे सेक्टर्स हैं जिसको हम लोगों ने डिस इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जिसका हम लोगों ने क्या कर दिया, विनिवेश कर दिया, तो वहां से, या हम लोगों ने किसी को लोन दिया था स्टेट को तो वहां से हम लोगों ने रिकवर किया, तो वो जो पैसे होते हैं वो होते हैं गैर ऋण पूंजी प्राप्ति। तो वो उस तरह से हमें अगर एक रुपया इनकम होता है तो 2 पैसे हमें कहां से आते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आते हैं, ठीक है। 58 पैसा हमें कहां से आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। 35 पैसा कहां से हमें आता है, बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से, मतलब कहने का जो भी हमें उधार उधार है उससे आता है। 8 पैसे कहां से आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक डिस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। 8 पैसे यहां से आता है। तो 14 नंबर सवाल का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है अकॉर्डिंग टू बजट 2022-23 कितने मल्टी मॉडल नेशनल पार्क को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है 2023 में बनाने के लिए। तो जो हमारा 22-23 का अभी बजट आया, बहुत ही आप देख सकते हैं कि उसका 4 पिलर था हमारा इस बार के 22-23 के बजट का, ठीक है, 39.45 लाख का बजट का हमारा साइज था। तो उसमें हमने 4 मल्टी मॉडल नेशनल पार्क की बात किया है, ठीक है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर और एलाइड इंडस्ट्री जो है वो कितना परसेंट बढ़ने की संभावना है,
तो वो हमारा 3.9% से बढ़ने की संभावना है एग्रीकल्चर में, तो कृषि और संबद्ध जो उसके क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, वो हमारा 3.9% से बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे केबल इंडस्ट्री की बात करेंगे, केबल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 11.8% से बढ़ने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्विस सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस जो है वो 8.2% से बढ़ने की संभावना है। तो ये हमें ध्यान में रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2022 में 21-22 में ये चीज लिखा गया। आगे चलेंगे, आगे हमारा जो है सवाल नंबर 17 होगा। एक बार थोड़ा सा मैं इसको कर लूं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं केवल सवाल इंग्लिश में ही रखूंगा और मैं पूरा हिंदी में सबको कर देता हूं, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे तो मैं केवल सवाल इंग्लिश में ही रखूंगा। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 जो हमारा है, कहां गया सवाल नंबर 70, ज्यादा ऊपर चला है, कोई बात नहीं। फिर सवाल नंबर 17 इंग्लिश वाला में लगता है शायद उड़ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 17 हम लोग हिंदी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 17 हमारा कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 का जो रिपोर्ट अभी आया, मैंने इसको पढ़ा भी दिया है, उसके अनुसार सबसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे वनों की हानि हुई, ठीक है। तो ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो वनों की हानि हुई अरुणाचल प्रदेश में हुई है, उसके बाद मणिपुर में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे अगर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं वहां पे कमी हुआ है, वहां पे फॉरेस्ट एरिया बढ़ा नहीं है, फॉरेस्ट एरिया कमा है, तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। लेकिन सवाल पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पे, सबसे ज्यादा वन की अगर बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा MP में, उसके बाद हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में, फिर हमारा महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा वन एरिया वाइज की बात कर रहा है, ठीक है, एरिया वाइज की बात करें, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद सबसे ज्यादा वन परसेंटेज वाइज अगर सवाल पूछता है तो मैंने यही बताया है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, जो मैं बोला उस चीज को आप लिख लीजिएगा, या तो आइए, या तो आपके पास मैंने फॉरेस्ट वाला रिपोर्ट पढ़ा दिया है तो उसको देख लीजिएगा, 10-15-20 मिनट का वीडियो है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, तो ISFR वाला सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, ओके। इंग्लिश में ये सवाल यहाँ से मतलब एक पेज यहाँ से डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। सवाल नंबर चलते हैं 18 की ओर, 18 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। देखिए पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है तो बैडमिंटन में जो स्वर्ण पदक जीते हैं, सवाल नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो लोग जीते हैं। अब वो दो लोग कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, एक तो हमारे बैडमिंटन में जो कृष्णा नागर हो गए और एक प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत, ऑप्शन ए और सी हमारा इसमें उत्तर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारे जो अभी टोक्यो पैरालंपिक्स हुए हैं तो गोल्ड विनर जो गोल्ड मेडल जो जीते हैं हमारे, उसमें देखिए अगर हम बात करते हैं एथलेटिक्स में जो जेवलिन थ्रो में है वो है सुमित अंतिल, क्या नाम उनका, सुमित अंतिल है, ये किसमें जीते हैं वो जेवलिन थ्रो में, ठीक है, जेवलिन थ्रो में जीते सुमित अंतिल। मनीष नरवाल की बात कर ले तो ये हमारे शूटिंग में, साथ ही साथ अवनी लक जो लेखा रहा है वो भी शूटिंग में जीती हैं, ओके। तो मनीष और अवनी ये दोनों हमारे शूटिंग्स में होंगे, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो में होंगे, प्रमोद भगत कृष्णा नागर हमारे बैडमिंटन में हो गए, ओके। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो लोग जीते हैं उसको हम लोग ध्यान में रखना है, ठीक है, यह कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर 19 कह रहा है, सवाल नंबर 19 कह रहा है कि भारत में लाल पांडा के पहले पुनः निर्माण कार्यक्रम में किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान को लाल पांडा प्राप्त होंगे। देखिए लाल पांडा जो है उनको रिलीज किया जाएगा और जो भी नेशनल पार्क्स हैं वहां पे भेजा जाएगा, तो सिंगालीला राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ये हमारे पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे ये लाल पांडा आएंगे। सवाल नंबर 19 का उत्तर सी होगा, ठीक है। सवाल नंबर 20 का था कि टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 100 प्रभावशाली लोग, ठीक है, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है 2022 के 100, वो टाइम्स पत्रिका द्वारा कौन कौन है भारत के, तो वह गौतम अडानी, करुणा नुंदी, एनंदी और खुर्रम परवेज, तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर होगा 20 का, गौतम अडानी, करुणा नंदी और खुर्रम परवेज, ये 100 टाइम्स जो टाइम पत्रिका जो करता टाइम्स मैगजीन उसमें 100 में ये आते हैं, ठीक है, टॉप 100 में, ओके। सवाल नंबर हम बात करेंगे 21, सवाल नंबर 21 क्या कहता है भाई,
इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, देखिए इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, ये जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है बेसिकली इसके लिए किया गया है कि जो सॉरी सवाल नंबर 22 छूट गया हमारा ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारा एस्ट्रोफिजिक्स है, ठीक है, उसमें से एक जो सदस्य है वो बने हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वो कौन चुने गए, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसके अंदर जो जिसको आईओयू बोलते हैं, तो वहां पे भारतीय सदस्य जो चुने गए हैं वो हैं दोर्जे अंगचुकी, दोर्जे अंगचुकी जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के हैं, ठीक है, और इनको चुना गया है कहां पे, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, मतलब 10 मेंबर उसमें इनको शामिल किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो दोर्जे अंगचुकी हमारा ध्यान में रखेगा। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की बात कर रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त जो है, ठीक है, अलेक्जेंडर एलिस जो है उनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म का अगर हम काम बात करेंगे, जो जो हमारा प्लास्टिक यूज ज्यादा यूज होने लगा, प्लास्टिक प्लास्टिक कहीं ना कहीं वो कभी खत्म नहीं होता प्लास्टिक, ठीक है, तो प्लास्टिक के यूज को कम करना, ठीक है, प्लास्टिक यूज को कम करना और उसी प्लास्टिक के यूज को फिर से रीयूज करके कोई रिसाइकल करके चीजों को काम करने के लिए ये इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एलिस जो भारत के क्या है, हाई कमिश्नर है, ठीक है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर है भारत में, इस बात को ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 23, ठीक है, अब सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है क्या, हाँ, भारतीय टेक्सटाइल पार्सल, देखिए टेक्सटाइल पार्क सुने होंगे लेकिन टेक्सटाइल पार्सल, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन है जो सूरत से पटना के लिए चली है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें 25 मॉडिफाइड बोगी है, मतलब 25 बोगी है इसमें, जो टेक्सटाइल मटेरियल को सूरत से बिहार के लिए यहाँ पे आएगी, मतलब कहने सूरत से पटना के लिए आएगी, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सूरत से पटना के लिए, ठीक है, सूरत से पटना के लिए। सवाल नंबर 24, किस संस्थान को फिरका खाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए हैदराबाद का एक इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में, जिसको बोलते हैं ICRISAT, ठीक है, ICRISAT, देखिए, ठीक है, तो इकरी सेट कहते हैं वो, ये हैदराबाद में संस्थान स्थित है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, ठीक है, इसको अवार्ड दिया गया है अफ्रीका फूड प्राइज 2021 के लिए, ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर कह रहा है 26वां, बिहार में फरवरी 2021 में सर्वप्रथम कौन सा जिला है जहां पे नैनो यूरिया, देखिए नैनो यूरिया क्या है, लिक्विड, हम लोग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से ग्रेनुलर्स टाइप के दाने दाने में हमारा यूरिया रहता था, उसको छिड़ते थे, लेकिन अब यूरिया का छिड़काव होगा, मीन्स की यूरिया लिक्विड फॉर्म में हो, ऐसे दवा का छिड़काव, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं उसी तरह से, तो ये नैनो यूरिया डेवलप किया गया है हाल में, और इसका जो सबसे पहली बार जो ड्रोन के रूप ड्रोन के माध्यम से जो छिड़काव किया गया बिहार में वो किया गया है बक्सर में। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। बिहार में पहला बुलेट ट्रेन कौन से स्टेशन से होके गुजरेगी? देखिए बुलेट ट्रेन जो स्टार्ट होगी वो हावड़ा से बनारस के लिए स्टार्ट होने वाली है, और ये बिहार से गुजरेगी, और बिहार में डेहरी ऑनसोन से गुजरेगी, ठीक है, बिहार में कहां से गुजरेगी, डेहरी ऑनसोन से, केवल डेहरी ऑनसोन से नहीं गुजरेगी, बहुत से स्टेशन है जैसे कि जो हावड़ा और बनारस के बीच में जो आते हैं, जैसे कि सासाराम है, डेहरी ऑनसोन है, गया है, इनके माध्यम इन एरिया से पटना नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हावड़ा का रूट गया से चिन्ह होता है, तो वहां से जाके ये बुलेट ट्रेन गुजरेगी, तो हमारा ध्यान रखें डेहरी ऑनसोन, डेहरी ऑनसोन भी याद रखेंगे हम लोग, गया भी याद रखेंगे, सासाराम भी याद रखेंगे। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या बोल दिया, एक सेकंड, सवाल ये हिंदी में, हाँ, मैथिली के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार बिहारी लेखक जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है, ठीक है, तो वो देखिए यहां पर 2021 बोल रहा है, तो उनके कौन से उपन्यास के लिए, तो उनका जो उपन्यास है पंगु के लिए, किसके लिए, पंगु, मैथिली में एक उपन्यास लिखा गया पंगु, जिन्होंने लिखा जगदीश प्रसाद मंगल ने, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बिहारी लेख, ठीक है, बिहारी लेखक हैं, किसके लिए, मैथिली भाषा में, किसके लिए, मैथिली भाषा में, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पंगु के लिए।
76 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे गांधी मैदान में निकाले गई झांकी, ठीक है, 76वां स्वतंत्रता दिवस था। देखिए सब लोग 75 ईयर कर रहे थे, तो हमारा आजादी का 75 ईयर हुआ, ठीक है, हमारा आजादी का 75 ईयर हुआ। लेकिन जो इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था वो 76 था, क्योंकि हम लोग 1947 में हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए हमारा ये 76वां स्वतंत्रता दिवस था। तो इसके अवसर पर जो गांधी मैदान में झांकी निकाला गया, उसमें जो कृषि विभाग का झांकी था उसको प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद कह रहा है कि जो अभी हाल में ही बिहार विधान परिषद के जो नया सभापति निर्वाचित हुए हैं वो कौन है? बिहार विधान परिषद, ध्यान रखिए जल्दीबाजी में विधानसभा नहीं करेगा, अगर विधानसभा होता अभी हाल में जो बना है उसमें हमारा अवध बिहारी चौधरी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, बिहार विधान परिषद, मतलब जो काउंसिल जो हमारा, ठीक है, हमारा बिहार में द्विसदन है, ठीक है, एक विधानसभा एक विधान परिषद है, तो वो जो सभापति जो हुए, ठीक है, चेयरमैन हुए, वो हो गए, हम ध्यान रखिएगा देवेश चंद्र ठाकुर। इस सवाल का उत्तर होगा देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो चेयरमैन है, नए चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, विधान परिषद के, ठीक है, लेकिन यही अगर पूछता लेजिस्लेटिव असेंबली का तो अवध बिहारी चौधरी हमारे सवाल का उत्तर होता, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 31 की ओर। सवाल नंबर 31 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 31 क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ चलिए अब हमारे इंग्लिश में आ गया फिर से, कोई बात नहीं। हेयर देर इज वर्स्ट ओशन ऑफ ब्लड इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब पूरा हमारे सामने पूरा खून का खून बहा हुआ है। ओनली गॉड नो वॉट एल्स आई एम लेफ्ट टू सी, हुज स्टेटमेंट इज अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, मतलब कह रहा है कि मेरे सामने पूरा रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा जानता है कि मुझे क्या क्या देखना बचा है। 1857 ने क्रांति को आंखों से देखा और वो हमारे बहुत ही लोकप्रिय, अगर हम बात करेंगे शायर हैं मिर्जा गालिब, इनका ये कथन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 32 कहता है कि कौन से चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नेंस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज हो गया। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वहां पे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, वो मद्रास था, बॉम्बे था, उनकी शक्तियां जो कुछ कुछ शक्तियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल को मिला, कहीं शक्ति को एक जगह केंद्रित किया जा रहा है, मतलब सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत 1773 से होती है और 1800 अगर हम बात करते हैं 33 की बात करते हैं, ठीक है, 1833 की बात करते हैं, यहां तक के जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो बहुत तरीके से पूरे रूप से सेंट्रलाइज, कैसे, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा था, तो पूरे रूप से केंद्रीकरण जो हो चुका था 1833 की एक्ट में, ठीक है, पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे, आपको पता होना चाहिए। ओके तो 1833 का सवाल यहां पे हमारा उत्तर होगा, ठीक है। सवाल नंबर आगे चलते हैं 33 नंबर। अब देखिए यही कहा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं 1935 में, 1935 का एक्ट है, वहां पे पूरा पूरी रूप से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सवाल कहता है 33 नंबर कि एकराट का उपाधि किसने लिया, एकराट की उपाधि की अगर हम बात करेंगे तो महापद्मनंद ने लिया था, ठीक है, एकराट की उपाधि किसने लिया था, महापद्मनंद, ओके, नंद वंश के थे संस्थापक रूप में और दयानंद के फादर थे, तो महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि ली थी, इस बात को हमको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे वास्को डी गामा जो इंडिया आया था 1498 में, तो किसके प्रतिनिधि के रूप में आए थे, ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है किसके प्रतिनिधि के रूप में आए थे, तो डॉन हेनरिक जो पोर्टुगल, उसमें पोर्टुगल के जो शासक थे डॉन हेनरिक, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ये वास्को डी गामा इंडिया आए थे। ओके ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री सवाल है। सवाल नंबर 35 का आता है द बैटल ऑफ जजाऊ टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए और अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जैसे ही क्या कर रहा है कि बैटल ऑफ जजाऊ, तो बैटल ऑफ जजाऊ की बात करते हैं तो ये जो लड़ा गया 1707 में लड़ा गया, अब 1707 मतलब जून 1707 में, अभी ध्यान रखिए कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह जफर थे जो बहादुर शाह जो बने थे, सॉरी जफर बहादुर शाह की बात कर लें क्योंकि क्योंकि सबसे लास्ट में था, उनका नाम था बहादुर शाह जफर, लेकिन जो बहादुर शाह प्रथम की बात कर लें तो वो जो थे वो तीन भाई थे मुअज्जम आजम और कामबस, तो ये तीनों आपस में लड़ते हैं शासन के लिए, तो जो बैटल ऑफ जजाऊ जो होता है वो मुअज्जम और आजम के बीच में होता है, मुअज्जम और आजम के बीच में होता है, मुअज्जम कौन, बहादुर शाह प्रथम,
तो मुअज्जम और आजम के बीच में होता है, इसमें मुअज्जम की जीत होती है। ओके, तो ये हमारे 1707 में जजाओं का युद्ध हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे। भरतपुर में जाट स्टेट, ये तो आपको पता है, चूड़ामन जाट राजा था, या जाट सेनापति बोल सकते हैं, जो भी चीजें, या जाट नेता बोल सकते हैं। तो वो जाट साम्राज्य का स्थापना भरतपुर जो राजस्थान में उन्होंने किया था। ओके, तो ये ध्यान में रखें चूड़ामन। उसके बाद आगे सवाल हमारा है कि इनमें से कौन है जिन्होंने अभिज्ञानसा कुतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। देखिए 1784 में एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ, उसके बाद बहुत सारे इंडियन लिटरेचर्स दो थे जो भारतीय ग्रंथ हैं या कुछ भी चीजें हैं उनका ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जो अभिज्ञानसा जो कुतलम है, ठीक है अभिज्ञान संगुतलम जो था उसका ट्रांसलेशन किया गया, उसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में, वो किया गया अगर हम बात करेंगे तो विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 38 की। सेंसरशिप ऑन द प्रेस, देखिए भारत में प्रेस को बहुत दबाया गया स्टार्टिंग जब ब्रिटिश राज था, तो प्रेस पे बहुत ज्यादा रोक लगाया गया। तो सबसे पहली बार जो स्टार्टिंग रोक लगा था वो हम ध्यान रखेंगे लॉर्ड वेलेजली के टाइम में एक एक्ट आया था। ठीक है, तो जो उसी समय यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंसरशिप लगाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चार्ल्स मेटकॉफ का नाम सुने होंगे, जिनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, तो चार्ल्स मेटकॉफ हुए। उसके पहले अगर हम बात करेंगे लिटन ने भी प्रेस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय 1878 में आया था, फिर 1881 में रिपन ने उसको खत्म किया था। तो ये कुछ ऐसे ऐसे एक्ट हैं या कुछ ऐसे ऐसे जो गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने प्रेस को रोक भी लगाया और कुछ गवर्नर जनरल ने प्रेस को कहीं ना कहीं एक तरह से मुक्त भी किया, तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इन द लिस्ट ऑफ मैगजीन। 38 नंबर सवाल कहता है इसमें से 39 में कौन कौन मैच नहीं है। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा था बंगाली में, सही है, द लीडर मदन मोहन मालवीय, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, हरिजन, महात्मा गांधी, ये सारे इंग्लिश में लिखे गए थे और ये सारे सही मैच है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर, क्योंकि सब कुछ सही है, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गलत है, इसमें सब कुछ सही है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 39, आगे चलते हैं सवाल नंबर 40 की ओर। द वाइसरा एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन 1928, अब वाइसरा याद रखना है तो इरविन समझौता आपको याद होगा, गांधी इरविन समझौता 1931, तो इसमें वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो ऐसे कुछ कुछ डेट याद रहेगा तो उसे में पता कर पाएंगे कि वाइसराय कौन था, ऐसे याद अगर करिएगा तो ऐसे याद होना मुश्किल है। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा हिंदी में, चलिए ये इसलिए मैं अगला बार से पूरा इंग्लिश में ही करूंगा या तो हिंदी में ही करूंगा, ऐसे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, इन विच ईयर द मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश्ड, मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1884 में हुआ था। 1884 में मद्रास महाजन सभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसमें कौन कौन से थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, आनंद पी चार्लू थे, एम बी राघवचारी थे, ठीक है, उसमें एम बी राघवचारी को प्रेसिडेंट बनाया गया, आनंद पी चार्लू को सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। तो ये हमारा 1884 में 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ध्यान में रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने कौन से सेशन में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है धन का निष्कासन, किस तरह से अंग्रेज हमारे वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे उसके बारे में बताया, तो ये जो कलकत्ता का अधिवेशन जो 1896 उस अधिवेशन में इस चीज के बारे में बताया गया था, 1896 का कलकत्ता सेशन, जहां पे अगर हम बात करेंगे तो वंदे मातरम भी गाया गया था, ठीक है, वंदे मातरम 1896 में रहमतुल्ला सियानी, तो उसमें वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता सेशन में, और उसी समय ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला जो डॉक्ट्रिन था दादा भाई नौरोजी ने कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया था। ओके, आगे चलते हैं। इन विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग स्लोगन डिवाइड एंड लीव, डिवाइड, देखिए मुस्लिम लीग का सेशन है और इसमें डिवाइड एंड लीव, डिवाइड एंड लीव की जो बांटो और छोड़ो का जो नारा दिया गया था ये कराची का सेशन था, कराची का सेशन था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये 1943
कराची का सेशन 1943 था, मोहम्मद अली जीना थे, वहां पे टू नेशन थ्योरी जो दिया गया था सर अहमद खान के द्वारा, ठीक है सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सुनो सर सैयद अहमद खान के द्वारा टू नेशन थ्योरी दिया गया, ओके ये दिया गया था लाहौर से 1940 में, सॉरी ध्यान रखिए टू नेशन थ्योरी ना, टू नेशन थ्योरी सैयद अहमद खान, ये 1940 में दिया गया, ठीक है। ये पहले से मैं तो चल रहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान को लेके भारत पाकिस्तान बंटवारा करो बंटवारा करो, और ये 1943 में ये नारा दे दिया गया, मोहम्मद अली जीना इसमें प्रेसिडेंट थे, डिवाइड एंड लीव का, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे दो सवाल हम लोग डिस्कस कर लिया। सवाल नंबर 44 कह रहा है कि कौन से मूवमेंट में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए, तो बहुत ईजी सवाल है, स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी इसमें आए नहीं थे, गांधी जी का आगमन 1915 हुआ था, ओके स्वदेशी मूवमेंट। आगे चलेंगे सवाल नंबर, स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट, देखिए स्वराज अधिवेशन अगर हम बात करेंगे 1922 में गया में अधिवेशन हुआ, ओके उसके बाद स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया कि इनका था कि जो उसमें जो विधान परिषद थे केंद्र में, उसमें इन्होंने चाहा कि हम उसमें उस विधान परिषद के चुनाव में हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस से हट के मोतीलाल नेहरू थे, ओके तो ये सब हट के 1923 में अलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था, ठीक है, अलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया, इस बात को ध्यान रखिए। चिदंदन दास भी थे, ओके तो हमारा सवाल नंबर 45 का उत्तर बी हो जाएगा ना। आगे चलते हैं सवाल नंबर 46, कॉमनल अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड इन्होंने कॉमनल अवार्ड लाया, देखिए कॉमनल जो अवार्ड था सांप्रदायिक पहचान या सांप्रदायिक जो अवार्ड था ये बहुत ही बेकार था, इसमें था कि जो भी उसमें दलित सीट थे तो उसमें उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया, ठीक है, उसके बाद उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, मतलब कहीं ना कहीं पूरे रूप से बांटने के काम हो रहे, जैसे स्टार्टिंग में 1919 में देखा, 1909 में आपने देखा कि मुस्लिमों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, फिर 1919 में सिखों के लिए अलग से बात की गई, तो धीरे धीरे पूरा बांटने की कोशिश किया जा रहा था, तो इसलिए कॉमनल अवार्ड जब आया था तो इसके बाद गांधी जी अनशन पे चले गए थे, तो फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, तो ये कॉमनल अवार्ड कब आया था, 16 अगस्त को, पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर को, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ओके आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि रेड कुर्ती मूवमेंट, देखिए रेड कुर्ती मूवमेंट खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, ये आपको ध्यान में होगा, ठीक है, लाल सर्त मूवमेंट जो है खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, इनको खुदाई खिदमतगार मूवमेंट भी बोला गया, तो ये सारे आपको ध्यान में होगा। चलते हैं आगे, पुष्मित्र सुंग, अब पता है कि आफ्टर मौर्य डायनेस्टी जो मतलब कहने का मतलब जो जिसकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी सुंग डायनेस्टी, ठीक है, तो सुंग डायनेस्टी की स्थापना पुष्मित्र सुंग ने किया, उन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, ये सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा कि दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्मित्र सुंग ने, इस बात को ध्यान रखिए, जो लास्ट हमारा मौर्य शासक थे बृहदत्त उनकी हत्या करने के बाद पुष्मित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना किया था मगध में, इस चीज को ध्यान रखें। तो 48 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 49 नंबर सवाल, थोड़ा लंबा सेशन होगा ये वाला, लेकिन आगे से हम लोग जल्दी करेंगे, केवल इंग्लिश में सवाल करेंगे सही रहेगा। अर्थशास्त्र गिव लाइट ऑन द रेन, देखिए कुल मिला के कि अर्थशास्त्र किस डायनेस्टी के बारे में बताता है, तो मौर्य डायनेस्टी तो हमारा उत्तर हो जाएगा। हालांकि अर्थशास्त्र में उस तरह से चीजें जो पॉलिटिकल चीजें आप देख पाते हैं कि अर्थशास्त्र में बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी है कि एक राजा को किस तरह से क्या चीजें करना चाहिए, पूरा तरह से स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया गया है, राज के शिल्प सिद्धांत के बारे में बताया गया अर्थशास्त्र के अंदर, कौटिल्य का लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि अशोक का शासनकाल ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल ये रहा, तो इस तरह चीजें नहीं लिखी गई बेसिकली उसमें कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना, क्या ड्यूटीज होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उस चीज के बारे में हमारा अर्थशास्त्र के बारे में लिखा गया, तो मौर्य डायनेस्टी के समय ही लिखा गया है और मौर्य डायनेस्टी के चीजों के बारे में बताया गया, ठीक है। कह रहा है कि ऑन द बैंक ऑफ विस रिवर गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट टू द बोधगया, तो बोधगया में निरंजन नदी के तट पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेसिकली निरंजन नदी को फल्गु नदी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें सवाल में अगर फल्गु नदी भी यहाँ पे दे दिया है तो ऑप्शन ई मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फल्गु और निरंजना दोनों एक ही नाम है, लेकिन जब निरंजना यहाँ पे पूरे रूप से दे दिया गया है तो हम लोग निरंजना ही ध्यान ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। सवाल नंबर आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहा है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही नहीं है,
स्क्रिप्ट को राइट से लेफ्ट लिखते से, ठीक है, सही बात है। सबसे पहली बार अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, पूरे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। सबसे पहली बार अगर शहरीकरण था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कर की बात करें तो हड़प्पा में था, और सेकंड अर्बनाइजेशन कब था तो मगध के समय में। उसके बाद कह रहा है कि आयरन स्कल्पचर वेयर मेड, लेकिन देखिए हड़प्पा सभ्यता में आयरन का यूज हुआ ही नहीं, ठीक है, आयरन का यूज हुआ ही नहीं, तो 51 का सी हमारा देखने गलत है, ठीक है। उसके बाद मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, सही बात है, तो हमारा ए बी एंड डी उत्तर सही है, लेकिन हमारा सी गलत है, तो हमारे कॉमन का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, हिंदी में भी तो हिंदी वाले लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसे मैं पूरा हिंदी कर ही दे रहा हूँ सब चीजों को, तो यहाँ पे आपको उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सवाल नंबर 52, सवाल नंबर 52 क्या कहता है भाई, एक सेकंड देखो, यही दिक्कत होता है हिंदी इंग्लिश में, सवाल भाग जाता है यहाँ से यहाँ। चलिए इस चीज को इग्नोर करिएगा थोड़ा सा, सवाल पे ध्यान आप लोग रखेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ लेड क्वाइन, शीशे का सिक्का, सातवाहन, मैंने कितना बार करवा दिया आपको, सातवाहन हो जाएगा, ओके। सातवाहनों से पहली बार जो लैंड ग्रांट था ब्राह्मणों को देना स्टार्ट किया, ठीक है, सातवाहनों ने, तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, सातवाहन वंश ने, ओके। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53, मौर्यन एम्पायर क्लैश ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। देखिए कह रहा है कि अशोका का जो पॉलिसी था, जो उनका आर्थिक नीति था, उसके कारण ही मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ। ये किस इतिहासकार का कहना है, ये रोमिला थापर का कहना है कि जो अशोका के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हुए उनके कारण ही मौर्यन का कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ, मतलब कहने का मतलब पतन हुआ। कह रहा है कि पहली बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल किसने किया, देखिए ये एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी या शायद सिक्स क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बार अरब ने किया, क्योंकि सिंधु नदी किनारे रहते थे, सिंधु से इन्होंने हिंदू शब्द का उच्चारण किया और हिंदू शब्द वहीं से निकला गया। तो हिंद मीन्स इंडिया के लोगों के लिए हिंदू, हिंद में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले बार कौन हुए, अरब हुए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पूना कॉपर प्लेट जो है वो प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, उसका ये कॉपर प्लेट बोलते हैं, प्रभावती कॉपर प्लेट बोलते हैं, तो पूना कॉपर प्लेट उससे संबंधित है। और इसमें वाकाटक और जो हम ध्यान रखेंगे जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्ता और वाकाटक के बीच में जो अलायंस है उसके बारे में बात करता है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 56 की बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी को गुजरात का कौन सा शासक ने हराया था, तो बहुत सिंपल है, भीमदेव सेकंड। भीमदेव कहाँ चला गया, अरे यार भीमदेव सेकंड है, इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ओके। आगे चलते हैं, सबसे पहली बार अरब का आक्रमण भारत में हुआ, इसका आपको देखने को मिला है कहाँ पे, चचनामा में, कहाँ मिलेगा, चचनामा में, ठीक है, चचनामा में मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। राजतरंगिणी, कलहन, अर्थशास्त्र, कौटिल्या, इंडिका, मेगस्थ, नीच। इंडिका में किस चीज के बारे में डिस्कस करता है, तो नगर पटना जो आप देख सकते हैं, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में इंडिका में बात करता है। समाज को 7 वर्गों में बांटा गया इंडिका में। उन्होंने मौर्य साम्राज्य में बताया कि मौर्य साम्राज्य में कोई भी तरह का गुलाम नहीं था, स्लेब नहीं था, किसने बताया, इंडिका ने, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 57 ये हो गया, मैं एक्स्ट्रा चीजों को बताते चलूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपके एग्जाम के लिए चीजें हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बिहार को बंगाल के प्रोविंस में बिहार को कब शामिल किया गया। देखिए अगर हम बात करें कि 1580 में जब अकबर जीत लेता है बंगाल को, तो उसके बाद ये एक तरह से बंगाल अलग से ही, सॉरी बंगाल को नहीं, बिहार को, तो बिहार एक अलग से ही प्रांत के रूप में रहता है, लेकिन बाद में बिहार को बंगाल में मिला दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 1733 का मिला गया, 1733 में। सवाल नंबर 59 की बात करते हैं, हिज प्रिंसिपल ऑफ, देखिए तो सवाल मिडाइबल जो मैंने पढ़ा दिया उसे बाहर नहीं आएगा, और जो मैंने 45 डे सीरीज करवा दिया है, मिडाइबल हो मॉडर्न हो, तो हिस्ट्री के सवाल तो कहीं से छूटने वाले नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के सवाल, तो ध्यान में रखिएगा। कि कह रहा है कि प्रेस्टीज, पावर और जस्टिस, बलबन के बारे में, तो बलबन के बारे में ये जो तीन चीज बोला गया कि जो बलबन, देखिए बलबन के आने से पहले क्या हो रहा था, दिल्ली सल्तनत में किसी को कोई भी जो चहलगानी था, तुर्क के चहलगानी था, वो किसी को बैठा दे रहा था गद्दी पे, तो बलबन जब आया था सबसे पहले बार तुर्क के चहलगानी को खत्म किया, उसने जो एक राजा का जो पद का जो गरिमा था
सुल्तान के पद का जो गरिमा था उसको बढ़ाने पे काम किया, उसको कहीं ना कहीं उसको प्रेस्टीज को वापस लाने का काम किया। तो उसके प्रिंसिपल उसी पे थे, किंगशिप थ्योरी जो बलबन का था बहुत जबरदस्त था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसीज था। तो ये जियाउद्दीन बरनी का कथन है, किसका कथन है, जियाउद्दीन बरनी का कथन है। दीन इलाही ये तो सबको पता है, अकबर, अकबर ने जो देखा कि बहुत सारे धर्मों के बीच में डिफरेंसेज हैं, हर एक धर्म में अलग अलग चीजें हैं, तो सारे धर्मों के एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करने का यहाँ पे स्टार्ट किया। दीन इलाही एक धर्म, एक तरह से बोल सकते हैं कि नया धर्म ही स्टार्ट किया गया, एक नया सेक्ट स्टार्ट किया गया ये अकबर के द्वारा 1582 में। ओके आगे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ INC, हाँ तो कहने के स्टेट ऑफ बिहार के फॉर्मेशन के बाद पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो कहां पे हुआ बिहार में, तो पता है सबको पता है पटना के बाकीपुर में हुआ था। ओके सेकंड गया में हुआ था। ओके आर्यन माधोलकर अध्यक्ष थे, तो ये तो ध्यान रखेगा, मैं आपको बार बार लिख दे रहा हूं, आर्यन माधोलकर थे पटना में जो हुआ था, आर्यन माधोलकर यहाँ के अध्यक्ष थे 1912 में पटना के बाकीपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले बार यहाँ पे भाग भी लिए थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस में यहीं पे स्टार्ट किए थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। कौन सा लीडर है बिहार का जिन्होंने संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जहां से आपके नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, इन्हें जो नेता हैं आपके कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होंगे, तो स्टूडेंट रेवोल्यूशन एक तरह से था, तो संपूर्ण क्रांति की बात करेंगे तो ये हमारा जयप्रकाश नारायण, जिसको लोकनायक भी उपाधि दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। ओके आगे चलते हैं। अनुशीलन समिति का ब्रांच पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा स्टार्ट किया गया 1916 में, ध्यान रखेगा, सचित्रनाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का एक ब्रांच पटना में खोला गया था। आजाद दस्ता, सबको पता होगा कि आजाद दस्ता जो है ये भी कह रहा है कि इसमें कौन एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन शामिल नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि मैं हिंदी कर देता हूं इधर से, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए आजाद दस्ता की अगर बात करें, सवाल नंबर 64 की बात करेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, यहां पे छठे के भिकाजी कामा नहीं थे, अब कैसे नहीं थे, अब देखिए आजाद दस्ता की शुरुआत क्वेट इंडिया मूवमेंट के समय हुआ 1942 में, और उसमें जयप्रकाश नारायण और उसके साथी जैसे कि सरदार नित्यानंद सिंह हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, इन सब लोगों ने मिल के आजाद दस्ता बनाया, नेपाल के तराई रीजन में इसका हेडक्वार्टर बनाया। ओके राम मनोहर लोहिया जो थे इस उसमें रेडियो जो पूरा डिपार्टमेंट था उसके हेड बनाया गया राम मनोहर लोहिया को, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। भिकाजी कामा ये तो हमारे इनको बोला था मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की मां बोले जाती है, तो ये हमारे भिकाजी कामा, लेकिन यहाँ भिकाजी कामा आजाद दस्ता संबंधित नहीं थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर चलेगा 65, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक किसान क्या करे, किसान क्या करे ये बुक, देखिए किसान सभा या किसान सम्मेलन से बोल सकते हैं संबंधित जो है वही लिखे होंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इंडियन हिस्ट्री को लेकर, इंडियन हिस्ट्री नहीं सर बिहार हिस्ट्री को लेकर, बिहार में बहुत ज्यादा सवाल इनसे पूछा गया, हमेशा एक सवाल रहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे तो किसान सभा 1936 में जो बना था, ऑल्ड अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में पहला सम्मेलन हुआ था। ओके एनजी रंगा इनके पहले सेक्रेटरी थे, ठीक है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये ध्यान देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष भी बनाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में इसकी शुरुआत हुई, 1929 में इसकी शुरुआत हुई, 65 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ओके आगे चलते हैं सवाल नंबर 66, तो सवाल नंबर 66 क्या कह रहा है, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट, देखो सेम चीज मैंने बोला कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया 1909 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था वो, ठीक है, उसके बाद फिर 1919 में आएगा तो सिख को भी, सिख और एंग्लो इंडियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेगा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉमनल अवार्ड 1932 में आया था, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को, तो उसने भी दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती है, तो इस बात को ध्यान रखेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला गया था, इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है 1909। आगे चलेंगे विच एक्ट ऑफ सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जापान से क्या लिया गया, बात ये कंप्लीट है, तो जापान से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ चलता है? इंग्लैंड, तो अमेरिका में। हमारे यहाँ आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे समझाने की जरूरत है नहीं। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां कहां से हमने लिया? कनाडा से। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहां से लिया? मीन सोवियत रूस में, इसकी रूस से। ओके, ओके, फंडामेंटल राइट कहां से लिया? यूएसए से लिया हमने। ओके, तो ये हमारे ध्यान में रखेंगे स्रोत हैं, कहां कहां से हम लोगों ने किस चीज को उधार लिया, या कहां किस कहां कहां से हम लोगों ने संविधान में दूसरे देश के संविधानों से चीजों को डाला, वो चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी सस्पेंडेड। ऐसा कौन से हमारे मूल अधिकार हैं जिसको कभी भी, चाहे इमरजेंसी हो कुछ भी हो, उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? इस सवाल का उत्तर हमारा ये होगा, आर्टिकल 21 को हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते, नेवर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसी में है, और उसी के ए में क्या है? राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन टू 6 to 14 ईयर। तो ए एंड डी सवाल का उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ओके, आप इधर हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी आप हिंदी में देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 69 क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, राज के नीति निदेशक तत्व में कौन नहीं है? तो देखिए, राज के नीति निदेशक तत्व में क्या हमारा नहीं है? दो चीज, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, हमारा सेपरेशन है, जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है हमारा, ना कि इंटीग्रेशन है, पहला बात। उसके बाद प्रमोशन ऑफ हिंदी, ये आर्टिकल 351 में बात करता है कि राज्य को हिंदी का, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, तो प्रमोशन ऑफ हिंदी, मतलब ऑप्शन सी एंड डी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता बाद में डाला गया 39 के ए में, ठीक है। राइट टू गेट पब्लिक असिस्टेंस जो है, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है, ये आर्टिकल 41 में डाला गया, ठीक है, तो हमें ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 69 आपका कंप्लीट हो गया होगा, थोड़ा सा लंबा सेशन आज का जाए, क्योंकि आज हम लोगों ने पहला क्लास था, तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग 150 सवालों को डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ जो जुडिशियरी का सेपरेशन, वो कहाँ, आर्टिकल कितना में है? 50 में, नॉट 51, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉट इंटीग्रेशन। सवाल नंबर 70, इसमें कौन गलत है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट, सही बात है। मनी बिल को पार्लियामेंट में मतलब कहने का मतलब कि इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा के अप्रूवल से, नहीं, तो मनी बिल को पार्लियामेंट में जब हम लोग डालते हैं, पार्लियामेंट में जब हम लोग मीन्स की लोकसभा पेश करते हैं लोकसभा में, तो हम लोग प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट के रिकमेंड, इसलिए प्रेसिडेंट उसको लौटा नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेसिडेंट। ओके, फिर कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस को अगर मतलब कोई भी अध्यादेश को करता है, तो जैसे ही पार्लियामेंट चालू हो जाएगा तो 6 सप्ताह के अंदर उसको खत्म हो जाएगा। अगर उसको, अगर 6 सप्ताह के अंदर अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा अगर इसको उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बना देता है, मीन्स की पास कर देता है, तो ठीक है वो एक्ट रहेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो 6 सप्ताह के अंदर वो खत्म हो जाएगा, जैसे ही पार्लियामेंट स्टार्ट होगा। ऑर्डिनेंस का बात आर्टिकल 123, जब पार्लियामेंट वर्किंग कंडीशन में नहीं हो, पार्लियामेंट का कोई भी सदन वर्किंग कंडीशन में नहीं हो, तो उस समय प्रेसिडेंट कोई भी अगर एक्ट या कुछ कानून लाना है, तो प्रेसिडेंट उसमें ऑर्डिनेंस इशू कर देती है आर्टिकल 123 के माध्यम से। प्रेसिडेंट के नॉमिनेट 12 मेंबर, यस सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग, बी हमारा गलत है। हु इज द मेन लिंक कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो मेन लिंक मीन बात करने की बात करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 74 कहता है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे, जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज देंगे, ये आर्टिकल 74 कहता है। और 75 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों का कहने का मतलब कि अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, आर्टिकल 75 कहता है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक जो बैठा वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर चलेंगे 71, ओके 71 क्या कहता है भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन बिहार, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40, कितनी है, 40 है, सबसे मैक्सिमम कहां है, यूपी में 403। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नाइदर मेंबर ऑफ, कौन ऐसा है जो मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट का,
ना ही कैबिनेट का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी वो कोई भी पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी बैठ सकता है और वहां पे बोल भी सकता है, वहां वोट नहीं कर सकता है। मीन्स इतना अधिकार है कि बैठ सकता है, बोल सकता है। तो वो हमारा अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 भारत के महान न्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 याद होगा। द पेंशन ऑफ रिटायर, देखिए चीफ जस्टिस जो रिटायर होंगे ओके, और या उसके बाद कोई भी और कोई भी जज अगर रिटायर होते सुप्रीम कोर्ट के, तो कह रहा है कि कितना सैलरी उनको मिलता है एज ए पेंशन को, तो 50% सैलरी मिलता है, जहां तक वो लास्ट सैलरी उनका था मंथली सैलरी उसका 50% उनको मिलता है। ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट गवर्नर के बारे में कौन सही नहीं है, ठीक है। इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, हाँ तो गवर्नर कुछ भी करेगा तो कोई भी किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होगा, उसमें सवाल नहीं उठा सकते हैं, सही बात है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, वो जब तक टेन्योर में है, जब तक वो राज्यपाल है, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, सही बात है। हर एक यूनिवर्सिटी जैसे कि स्टेट के, जैसे मान लेते बिहार के गवर्नर हैं, तो वो बिहार के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी उनके चांसलर होंगे, ना कि वाइस चांसलर, क्या हो जाएंगे, वो चांसलर होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो विधान परिषद है उनके 1/6 सदस्यों का वो अपॉइंट नहीं करते हैं, उनका क्या करते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं, क्या करते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। चलिए ये तो थोड़ा मिस्टेक्स लिखा गया, कोई बात नहीं। तो वो एक और जितने भी जैसे कि जो भी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट का विधान परिषद, जैसे बिहार का विधान परिषद है, जिसकी जो क्षमता है, जितने जो मेंबर्स हैं उसका 1/6 मेंबर का ये अलग अलग क्षेत्र से, साइंस के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से ये नॉमिनेट करते हैं, ओके। तो हमारा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम अपॉइंट मानेंगे तो ऑप्शन नंबर ई हमारा उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो चीज गलत है, एक तो हमारा ये गलत है और एक ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पी द फॉलोइंग इज मिनिमम नंबर ऑफ, देखिए सर सबसे ज्यादा यूपी में है 403, सबसे कम कहां है, सिक्किम में, सबसे कम कहां है, सिक्किम में। तो सिक्किम में कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिएगा, ये यहां पे मैंने 403 क्या बताया, सबसे ज्यादा ये वहां के विधानसभा में सीटों की संख्या कितना, 403 है। बिहार में कितना, 243, बिहार में कितना है, 243 है, लेकिन वहां पे लोकसभा सीटों की संख्या थी, ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पे मिस्टेक किया, तो वहां लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, 40 है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पे कह रहा है कि सबसे कम लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की संख्या जो है वो कहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो सिक्किम में, कहां क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, सिक्किम, ओके। चलते हैं आगे, आगे हमारा क्या कह रहा है, सिक्किम में कितना, ये ध्यान रखें 32, सिक्किम के विधानसभा में 32 सीट है, यूपी के विधानसभा में 403 सीट है, बिहार की विधानसभा में 243 सीट है, ओके। और सबसे कम अगर पूछेगा यूनियन टेरिटरी को भी मिला लेंगे तो पांडेचेरी, पांडेचेरी में बात करेंगे तो मात्र वहां पे 30 विधानसभा की सीटें हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 77, विथ रिफरेंस टू सेंटर स्टेट रिलेशन, कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं, तो इसमें से कौन सही है, हाँ सही कौन है ये पूछ रहा ना, सरकारिया कमीशन 1983 में आया, सही बात है। फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, ये जो दो सब्जेक्ट थे इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तो वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड प्रोटेक्शन, वेट एंड मेजर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये पांच सब्जेक्ट को कहां डाला गया, कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, कहां डाला गया, कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, ये भी सही है। पूछी कमीशन 2007 में आया था, ये भी ध्यान में होना चाहिए, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही थे, इसमें ऑप्शन क्या था, नन ऑफ द एबव, मींस कि तीनों सही, इसमें कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 1, 2, 3, ठीक है, तो हमारा तीनों सही हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था, इसके हेड पीएम होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 29 क्या कहता है, देयर इज अ ब्लू सर्कल इन द सेंटर ऑफ नेशनल पार्क, वही इस बात कह रहा है कि कितने तिलियां, 24 तिली, एक ध्यान में रखिएगा कि 24 तिली होता है, और जो नेशनल फ्लैग होता है उसका एक रेशियो होता है 3:2 में, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होना चाहिए, मतलब इस तरह से हमारा नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा संविधान सभा के द्वारा, ओके। उसके बाद सवाल कहता है कि इसमें बताइए कि कौन गलत है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, बात सही कि लॉर्ड रिपन को स्थाई बंदोबस्त या सॉरी स्थाई
स्वशासन के फादर बोला जाता है इंडिया में, सही बात है। बेसिक ऑब्जेक्टिव पंचायती राज सिस्टम क्या है? हाँ, पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत किसलिए? विकेंद्रीकरण के लिए हुआ, कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इसको पंचायती राज की शुरुआत हुई, सही बात है। पंचायती राज की शुरुआत आंध्र प्रदेश में कब हुई थी? तो 1959 में हुआ था, सबसे पहली बार नागौर में हुआ था, 11 अक्टूबर 1959 में हुआ आंध्र प्रदेश में, ना कि 1960 में। इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसी गलत है। मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन पंचायत। हाँ, तो मिनिमम ईयर कितना होगा? 21 ईयर होगा इलेक्शन पंचायत में लड़ने के लिए। उसके बाद कह रहा है, हाँ उसके बाद हमारा क्या होगा? तो ए बी डी सही है, तो गलत कौन है हमारा? सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब हमारा 73rd अमेंडमेंट आया, उसके बाद पंचायती राज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 29 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। पंचायती राज सिस्टम को 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन कौन से आप चीजों को देख लीजिएगा। बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर, झारखंड से बॉर्डर शेयर कौन नहीं करता? ये मैंने मैप को, मैंने बिहार ज्योग्राफी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। अगर आप बिहार ज्योग्राफी के 5 से 6 वीडियो है, अगर आप 2 के स्पीड में भी देखेंगे 5 से 6 वीडियो को, तो आपके 2 घंटे से 3 घंटे आपके समय जाएंगे। तो बिहार ज्योग्राफी अच्छे तरीके से बीपीएससी में प्रीलिम्स लेवल का अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, तो उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पे अगर हमारा 81 का उत्तर होगा डी, कैमूर जो है वो झारखंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता। देखिए झारखंड है, सॉरी नवादा है, गया है, भागलपुर है, जमुई है, सब झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए कैमूर शेयर नहीं करता है। ओके, रोहतास, जहां तक रोहतास शेयर करता है, लेकिन कैमूर शेयर नहीं करता। 81 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ठीक है। 81 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर चलेंगे 82 की ओर, कौन कौन शेयर करता है? के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अर्बन पॉपुलेशन बिहार में कितना है? देखिए अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये जनगणना की बात करें 2011 वाला, तो अर्बन पॉपुलेशन बिहार में 11.29 है, 11.29। और बाकी जो पॉपुलेशन बिहार में क्या है? गांव में रहती है 88.71%। इसमें कौन गलत है? नागिन एक्टिव डैम जमुई में, सही बात है, ठीक है, नागिन एक्टिव डैम जमुई में, सही बात है। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नालंदा में है, सही है। बरेला झील जो है किशनगंज में नहीं है, बरेला झील जो है वो वैशाली में, कहाँ है? वैशाली, ठीक है। और सॉरी चलिए, अरे यार कहाँ चला गया, गोगाबिल कटिहार में, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब मैं सब कुछ मैं करवा दिया हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसमें कौन सही मैच नहीं, कौन सही मैच है? लाइमस्टोन कैमूर में, सही बात है, कैमूर होता है इसमें लाइमस्टोन मिलेंगे, रेड सैंडस्टोन मिलेंगे, नवादा माइका मिलेगा, नवादा गया ऐसा माइका मिलेगा, पायराइट तो रोहतास का आम जौहर फेमस है पायराइट के लिए, जमुई में गोल्ड मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सही है, सब सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सवाल नंबर 84 का भी ई होगा, ठीक है, 84 का भी ई होगा, ठीक है। हाँ, अब 85 नंबर सवाल करेंगे। 85 नंबर सवाल कहता है कि सबसे ज्यादा कहाँ है आपके फॉरेस्ट परसेंटेज में? तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है वो कैमूर में, कहाँ है? कैमूर में। कैमूर का पूरा 31.56% भाग जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा घना फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का मैंने बताया क्या होता है। और सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। सबसे कम जंगल परसेंटेज भाई कहाँ पे? शेखपुरा में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विज नॉट एग्जाम्पल ऑफ जोवियन प्लांट, देखिए अगर हम बात करें ग्रहों को बांटते हैं तो एक होता है जोवियन, एक होते हैं टेस्टेरिया, ठीक है। तो जोवियन प्लैनेट में कौन नहीं आता? तो मार्स जोवियन प्लैनेट में नहीं आता। देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे कौन से प्लैनेट है? जोवियन प्लैनेट है। कौन से प्लैनेट है? जोवियन। देखिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, 86 नंबर में जोवियन प्लैनेट का क्या है, एक सेकेंड, इसका तो अलग, तो जोवियन ग्रह, यहाँ पे जोवियन ग्रह लिखा है हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद जो टेस्टेरियस प्लैनेट होते हैं उसमें आते हैं आपके, देखिएगा, मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, ये सब, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं टेस्टेरियस प्लैनेट में और ये आते हैं जोवियन प्लैनेट में। तो हमारा मार्स से हमारा इस सवाल का उत्तर नहीं होगा, मैं इसके अंदर कि सवाल का उत्तर होगा
सवाल नंबर हम बात करेंगे 85, ठीक है। 85 नंबर सवाल क्या कहता भाई? हाँ 85 तो 87 नंबर सवाल, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण कब बोलेंगे? चंद्र ग्रहण जब बोलेंगे जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो सूरज के पूरे प्रकाश को रोक लेगा अर्थ, और अर्थ का शैडो पड़ेगा मून के ऊपर, तो मून पे क्या लग गया? ग्रहण लग गया। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 87 का ए हमारा उत्तर होगा, ठीक है। और ये हमेशा जब फुल मून होता है तभी होता है, ठीक है, जब पूरा पूर्णिमा होता है तभी होता है। आगे चलते हैं, इंजलबर्ग, ठीक है, इंजलबर्ग है एक तरह का टॉपोग्राफी है, एक तरह का स्थलाकृति है, तो वो कैसे बनता है? विंड से। कैसे बनता है? विंड से। इंजलबर्ग एक तरह का टॉपोग्राफी है जो कि विंड से बनता है। इंजलबर्ग हो गया, चटर्क रॉक हो गया, जुगिन हो गया, या डांग हो गया, ठीक है, लूनेट हो गया, बालुका स्तूप हो गया, लोय हो गया, पलाया हो गया, ये सारे ऐसे टॉपोग्राफी जो है जिनका निर्माण विंड से होता है, ध्यान रखिएगा। पायरेनी एक पर्वत है, मैंने इसके बारे में मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी इसको चीज को बताया था। पायरेनी पर्वत है, ऑलरेडी बहुत सारे सवाल मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो पायरेनी जो है, ये जो पर्वत है, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में बाउंड्री लाइन का निर्माण करती है, ठीक है, पायरेनीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, अब लोग कमेंट करते हैं कि अपलेसियन माउंटेन कहाँ है? अपलेसियन माउंटेन कहाँ? एक तरह का रेसिडुअल माउंटेन है, जैसे अरावली है उसी तरह का अपलेसियन माउंटेन एक तरह का रेसिडुअल माउंटेन है। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है या कौन से कंट्री में, यह बताना है आप लोगों, ठीक है। आगे चलते हैं, पाक स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका के बीच में सही है, गलत बताना ना इसमें। हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन K2, ये भी सही है। हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम की बात कर रहा है, वाकरा डैम, सही बात है। सबसे लॉन्गेस्ट डैम, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम जो है अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा हीराकुंड डैम है। कौन है? हीराकुंड, हीराकुंड डैम महानदी पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 91, इसमें से कौन जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ रॉक, हाँ धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो आपको मिलेगी वो कर्नाटका के धारवाड़ रीजन में मिलेगा, तो हमारा कर्नाटका इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। व्यू द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बुलर लेक जम्मू कश्मीर में सही है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर लेक की बात करेंगे तो ये हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ओके, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। ओके, लोकटक झील मणिपुर में पता है, बेमलाल झील केरल में, ये भी पता है। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मरखा वैली लद्दाख में सही है, कांगरा वैली हिमाचल प्रदेश में, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, साइलेंट वैली केरला में, ये सब सही है, ऑप्शन नंबर ई 93 का। चलते हैं ऑप्शन नंबर अब 94, खादार, ठीक है, खादार और भंगर, जो पुराने मिट्टी, जो पुराने जलोढ़ मिट्टी उनको बोलते हैं भांगर, और जो नए जो आपके जलोढ़ मिट्टी है, मीन्स न्यू अवेलेबल सॉइल, जिनको भी कहते हैं खादर, तो न्यू अवेलेबल सॉइल हो गया। विथ रेफरेंस टू गंगा रिवर सिस्टम, इसमें कौन से बताना? तो रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, सही बात है, गौमुख से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड, सही है। रिवर गंगा का डिस्टेंस बिहार में कितना? 445 किलोमीटर, सही बात है। सबसे ज्यादा कहाँ है? 99 किलोमीटर पटना में है। गाजीपुर सिटी गंगा पे सिचुएटेड है, कह रहा है गाजीपुर सिटी नॉट सिचुएटेड ऑन गंगा, नहीं नहीं, तो गाजीपुर सिटी सिचुएटेड है गंगा पर, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसमें क्या पूछ रहा है, ट्रू कौन है? तो ट्रू हमारा 1 और 2 है ना, ऑप्शन नंबर सी 95 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो, ठीक है। चलते हैं, अब सवाल नंबर हमारा जो आएगा वो आएगा 96 नंबर, ठीक है। हाँ, सवाल क्या कहता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोल सकते हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो मेन रीजन होता है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया के जो मैदानी भाग है उस पर वर्षा करवाने का, और जो माउंटेनियस रीजन है जो बरसात विंटर के समय में जहाँ पे बर्फपात होता है, तो स्नोफॉल होता है, तो वो इस रीजन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता कहाँ से, ऑरिजिन क्या है? तो वेस्टर्न तरफ से आएगा, तो वेस्टर्न में अगर बात करेंगे तो देखिए, अब अगर बात करें इंडिया के वेस्टर्न में, बे ऑफ बंगाल तो होगा नहीं भैया, अरेबियन ओशन तो होगा नहीं, पैसिफिक ओशन भी वेस्टर्न में नहीं आता है, तो मेडिटेरियन सी ऐसे ही मान सकते हैं। मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर का द्वार किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। तो मेडिटेरियन सी जो है वहां से आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अराइज होता है, ओरिजिन होता है, और वो हमें कहीं ना कहीं नॉर्दर्न इंडिया में बरसात करवाती है। ओके, ध्यान रखिए, इन विंटर
आगे चलते हैं. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कहवा, कॉफी के लिए इसमें कौन सही नहीं है. बाबा बुदान का पहाड़ी कर्नाटक में है, कहवा का स्टार्टिंग होता है, सही बात है, कहवा का प्रोडक्शन बहुत होता है, ये सही है. रोबस्टा एक तरह का वैरायटी है, सही बात है, जो हम लोग इंडिया में कॉफी का इस्तेमाल करते हैं. कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मैसूर में है, क्या बताइए, कॉफी बोर्ड का जो मतलब लगाने का मतलब जो मुख्यालय है वो मैसूर में नहीं है, बेंगलोर में है, कहा बेंगलुरु में, यही गलत है. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड है कहवा के लिए, सही बात है. तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे 97 का होगा वो हमारा हो जाएगा आपका बी, सॉरी हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हमारा होगा इसका गलत, सी हमारा उत्तर है, ठीक है. इन विच स्टेट फेमस डाली रजहरा, डाली रजहरा एक तरह का हेमेटाइट आयरन ओर है. देखिए वेला डेला छत्तीसगढ़ में है, डाली रजहरा कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है. तो ये आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस जगह है छत्तीसगढ़ में, इसको ध्यान में रखेंगे. झारखंड में नोवा मुंडी होगा, बारबूरू होगा, बोनाई रेंज हो गया, उड़ीसा में आप देखिए कि बादाम पहाड़ है, माहिसिनी हो गया, कर्नाटका में भी अगर आयरन ओर की बात करें तो बाबा बुदान जहाँ कॉफी होता है वहां भी वो आयरन ओर भी है, कुंद्रमुख है, ये सब तो ये ध्यान में रखेंगे. तो यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ होगा. करा की सेक्स रेशियो की बात करेंगे इंडिया में स्टेट वाइज तो सबसे टॉप में कौन आता है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है अगर हम बात करेंगे ना डे, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो यहाँ भी क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, मीन्स बढ़ते क्रम में पूछा, ठीक है, ना कि घटते क्रम में पूछा. तो सबसे ज्यादा केरला में, सबसे ज्यादा कहाँ पे, केरला में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़. तो ऑप्शन नंबर 99 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा. केरला में 1084 है सेक्स रेशियो, 996 है तमिलनाडु में, 992 है मणिपुर में, 991 है छत्तीसगढ़ में, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है. क्योटो प्रोटोकॉल, आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है, जापान में है. तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी इमिशंस को लेके हुआ था, उसको कैसे कम किया जाए. तो ये हमारा 100 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है हमारे एनवायरमेंट में. 1997 में क्योटो सिटी जापान का, वहां पे एक प्रोटोकॉल कहने का एक सम्मेलन हुआ, सो क्योटो प्रोटोकॉल नाम से जाना गया, इस बात को ध्यान रखिएगा. तो कुछ कुछ ऐसे एनवायरमेंट को लेके कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हुए हैं, कुछ सम्मेलन हुए, जैसे स्टॉकहोम है, क्योटो प्रोटोकॉल है, रियो डी जनेरियो में अर्थ समिट हुआ, ये सब हमें ध्यान में रखना है. ये सवाल नंबर 100 हमारा उत्तर हो गया, सवाल नंबर 101 की ओर चलेंगे, जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसको, कल से इसको 1 आवर्स में कंप्लीट करने का सोचेंगे. करा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया, कहाँ चला गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया उसके बारे में कौन सा कथन सही है. देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था 5 जुलाई 2013 को इफेक्ट में आया, सही बात है. इस एक्ट के माध्यम से हमारे भारत की जनसंख्या का 2/3 भाग, मीन्स की 67% अप्रोक्स में, ये हमारा तो पहले बात गलत कर दिया, ठीक है, ये हुआ, ओके. उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए कहा गया कि जो भारत की जनसंख्या उसका 2/3, कम से कम 2/3 लोगों को राइट टू फूड का अधिकार, मीन्स कि जिनके पास जो एलिजिबल पीपल्स हैं जिनको प्रॉब्लम है तो उनको दिया जाए, इस चीज में लाया जाएगा. तो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन लगभग 67%, जिसमें बोला गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पे 75% लोग और जो शहरी क्षेत्र वहां 50% लोग अराउंड पॉपुलेशन का इसमें शामिल किया जाएगा. तो इस सेकंड नंबर तो गलत हमारा पहले हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें कौन सा सही की बात करा ना, तो वन हमारा सही है और सेकंड भी सही. सेकंड क्या कह रहा है कि जो एलिजिबल पीपल्स हैं उनको अगर उनके पास खाना मतलब उनको फूड ग्रेन्स नहीं उनके सप्लाई हो रहा है तब उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस के रूप में दिया जाएगा. ऐसा क्या मिलता है अब देखते होंगे, ठीक है. 3 रुपए केजी कहने का मतलब है कि 3 रुपए केजी आपका मिलता है और 1 रुपए केजी आपका मिलता है, ठीक है. इस बात को हम लोग ध्यान में रखें, ठीक है. तो और यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 कोई भी में किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है. सवाल नंबर 101 का 102 कह रहा है कि पहली बार जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में जो दिया गया एमबी सुब्रैया के द्वारा 1924 में, उनका पुट था प्लांड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लांड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि बॉम्बे प्लान कौन किसने लाया था, ठीक है. आगे चलते हैं हम लोग, कब आया था बॉम्बे प्लान और किसने लाया था, कौन सा ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सिबल है एमएसएमई को फंड देने के लिए, मीडियम और माइक्रो स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको अगर देने के लिए, तो वो सिडबी, कौन है सिडबी, ठीक है. सिडबी पता होना चाहिए आपको,
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, 1990 में शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, इसका काम ही है भैया कि जो फाइनेंस दे एमएसएमई जो भी कंपनियां हैं, सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको फंड देने के लिए, उनको प्रमोशंस करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुआ जिसमें हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, वेटर इरिगेशन सिस्टम की बात करना है, ये सब हुआ, लेकिन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की बात नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा प्रोडक्शन कम है, लेकिन हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड जेंडर गैप, देखिए वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जो है या ग्लोबल कंपिटेटिव इंडेक्स जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा लॉन्च किया था। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड ग्लोबल कंपिटेटिव इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का जो स्थान है वो 135 है, 135 है, ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, इसमें इंडिया का स्थान कितना है, 63। ठीक है, यूएनडीपी का तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये भी हमारा यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 106, द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट वर्क आर कनेक्टेड कीपिंग द माइंड एंड नीड ऑफ, हाँ ये कह रहा है कि इस तरह का विकास जिसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं, मतलब फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए विकास करना, ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो 106 नंबर सवाल का उत्तर ये होगा। यार हिंदी वाला मैंने सवाल को तो छोड़ ही दिया ना, छह नंबर सवाल, एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो अब 107 नंबर सवाल की बात करते हैं। हमारा सतत विकास वाला तो हो गया, 107 नंबर सवाल क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक पीडीएफ में इसको लाने में बहुत फिर टाइम लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट कंसर्न विद असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के मूल्यांकन के लिए वाई के अलाडिया कमेटी भी आई थी, आपको पता होना चाहिए। वाई के अलाडिया कमेटी की बात करेंगे तो ये गरीबी के असेसमेंट किस तरह, मतलब कैसे लोगों को बोलेंगे ये लोग गरीब है, पॉवर्टी के असेसमेंट कैसे होगा, मूल्यांकन के लिए वाई के अलाडिया कमेटी 1979 में आया। फिर लगड़ा वाला कमेटी आया 1993 में, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सारे कमेटी के बारे में डिस्कस मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ 45 सीरीज में। सुरेश तेंदुलकर कमेटी आया 2009 में, और सी रंगारेड्डी कमेटी 2014 में, तो सारे तो है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई होगा। कह रहा है कि 109 नंबर सवाल कि नॉट ए फैक्टर ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया, जो आपकी मुद्रास्फीति जो है उसमें कौन एक कारण नहीं है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसका कौन है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा, सही बात है, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो वहां पर ही बढ़ेगा, अगर कोई चीज को हम होर्डिंग में जमा करके रख लेते हैं तो वहां पे मुद्रास्फीति होगा, लेकिन लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो ये एक कोई कारण नहीं है मुद्रास्फीति के बढ़ने का। ओके, ये कोई कारण नहीं है मुद्रास्फीति के बढ़ने का। ओके, तो देखिए जो हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो उच्च मुद्रास्फीति का जो अगर हम कोई फैक्टर है तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, लोगों का इनकम बढ़ जाना, अर्बनाइजेशन बढ़ना, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम जाना, कोई भी सोशल कॉमोडिटी उसकी होर्डिंग कर देना, लोगों के एम्प्लॉयमेंट लो मतलब एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ना, तब जाके मुद्रास्फीति बढ़ते जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। कह रहा है कि 2021-22 के बजट एस्टिमेटेड के आधार पे टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग 2022-23 में कितना करें, कुल मिला के ये 22-23 मानिए, ये 22-23 है, यहाँ पे मिस्टेक्स है, 22-23 मतलब कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर कितना परसेंट खर्चा हो रहा, बात खत्म। ठीक है, तो शिक्षा पर जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, देखिए हमारे बजट का साइज कितना है, 2,37,691.19 करोड़ रुपया हम लोग इस बार खर्चा करने वाले हैं बिहार बजट 2022-23 में, पढ़ा चुका हूं, जाके वीडियो देखिए, एक एक चीज क्लियर होगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, मैंने वही चीज बताया है। इसमें हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 1,91,956 करोड़, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं
4.52 मतलब 45,634 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं 39,191.87 करोड़ जो कि 16.49% है। इस सवाल का उत्तर नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। हमारे इस वर्ग का फिस्कल डिफिसिट, हमारा जो राजकोषीय घाटा रहने वाला है वो 25,885.10 मतलब 25,885 करोड़ रहेगा जो कि हमारे जीएसडीपी का 3.47% है। तो हमारा जीएसडीपी कितना है भाई? हमारा जीएसडीपी इस बार का है 745,310 करोड़। ये सब याद रखना है। एक जितना मैं अभी 15 सेट कराऊंगा, 15 सेट में बजट हो, इकोनॉमी सर्वे हो, बिहार का हो, यूनियन का हो, सब कंप्लीट करवा दूंगा। और ऑलरेडी मैंने इसका पूरा एमसीक्यू भी करवाया, देख सकता है जाके। लास्ट 5 साल में बिहार में टर्शियरी सेक्टर में कितना ग्रोथ देखने को मिला, इकोनॉमी सर्वे का सवाल है, ठीक है। तो लास्ट 5 साल में जो बिहार में ग्रोथ मिला टर्शियरी सेक्टर में वो 8.5% देखने को मिला हमें सेवा क्षेत्र में, और सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% मिला है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करा है कि इसमें कौन करेक्ट मैच है। इलेक्ट्रिक करेंट का एम्पियर सही है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का कैंडला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 112। व्यू द फॉलोइंग मेजर लेंथ यूनिट, हाँ ये मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्टेंस को नापना है तो इसमें कौन सा इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर का इस्तेमाल कब करते हैं? लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम, अगर मतलब एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की डिस्टेंस को नापने के लिए। मतलब विद इन सोलर सिस्टम तो नहीं हो ना, आउटसाइड द सोलर सिस्टम होगा, लेकिन आउटसाइड द सोलर सिस्टम में लाइट ईयर पार्सेक दोनों आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो हम सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी नापना है तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल। तो ऑफ ओनली ए इज द राइट आंसर। अब मुझे बताइए कि एक लाइट ईयर में कितने पार्सेक होते हैं, कमेंट करके जितने भी मैं बोलूं सबको कमेंट करके बताना है कितने पार्सेक, सॉरी एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते, ठीक है। वन पार्सेक इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स बताना है। आगे चलते हैं। द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस चीज का, तो हाइग्रोमीटर का करते हैं, है कि नहीं। हाइड्रोमीटर से क्या मानते हैं, डेंसिटी नापते हैं। हाइग्रोस्कोप से क्या नापते हैं, हाइग्रो यह स्कोप है, तो ये इंडिकेशन बताएगा, आद्रता को इंडिकेट करेगा, ये आद्रता को मेजरमेंट कर देगा, ये हाइग्रोमीटर। और स्कोप है तो इंडिकेट करेगा, और डेंसिटी कोई भी लिक्विड का डेंसिटी नापना है तो हाइड्रोमीटर इस्तेमाल करें, और गायरोस्कोप से कोई भी चीज का एंगुलर वेलोसिटी मापना है तो गायरोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 113 नंबर सवाल का उत्तर हमारा हो जाएगा। सवाल नंबर 114 की ओर चलेंगे। 114 नंबर सवाल कहता है कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए अवतल दर्पण, दर्पण दो होते हैं, एक अवतल एक उत्तल, एक तो समतल होता है। तो देखिए यह आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। जब आपके अंदर की तरफ जो चम्मच में अगर देखें, जो चम्मच वाला जो भाग, जो दबा हुआ भाग है, वो अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का काम करेगा तो वो हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण एक तरह का कन्वर्जिंग मिरर है। किस तरह का मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। उसके अगर नजदीक में कोई भी ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो जब भी डॉक्टर, अगर डॉक्टर लोग को देखना है दांत को तो बड़ा दिखना चाहिए ना दांत, तो उसके लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर्स होते हैं, सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर, लेकिन रियर व्यू, रियर व्यू मतलब जैसे कि देखते हैं ना कि पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है, ये सब गाड़ी को जब बैक करते हैं तो रियर व्यू जो व्हीकल्स में लगे होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों करते हैं, क्योंकि दूर वाला चीजों को कहीं ना कहीं पूरा डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करके छोटा दिखाता है। तो ये हमारा रियर व्यू, रियर व्यू के बगल में जितना चीज लाते हैं छोटा मतलब कहने का मतलब बड़ा हो जाएगा। तो रियर व्यू साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। किसी आदमी को अगर मायोपिया हो गया, दूर की वस्तु नहीं दिख रही, नजदीक की वस्तु दिख रही, मायोपिया हो गया है तो वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो वो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान हो गया, कंप्लीट हो गया, चलिए। ट्रांसफर ऑफ हीट, हाँ संवहन की बात करें ना, संवहन में कहां हो सकता है, संवहन कहां हो सकता है,
संबंध क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उसके अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर होना। तो अगर हम 115 नंबर सवाल की बात करेंगे तो संवहन कहां पे होगा बताइए, गैस और लिक्विड में होगा, क्योंकि सॉलिड में तो होगा नहीं, सॉलिड में कन्वेक्शन होगा ही नहीं। तो गैसेस के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर से इधर, मतलब कहने का मतलब कि डिस्पर्स होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो गैसों में, ठीक है, गैसों में। सवाल नंबर 114 का उत्तर हमारा हो जाएगा गैस एंड लिक्विड। कन्वेक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो लिक्विड में होगा ना और गैसेस में होगा, इजीली रूप से डिस्प्लेस होगा, तो हमारा गैसेस एंड लिक्विड में, ठोस गैस और तरल पदार्थ। कह रहा है कि इसमें कौन गलत है मैकेनिकल वेव्स को लेके, मैकेनिकल वेव्स है जो ट्रांसफर एनर्जी थ्रू अ मीडियम, मैकेनिकल वेव को कोई मीडियम चाहिए, अगर उसको एनर्जी ट्रांसफर करना है तो कोई मीडियम चाहिए, सही बात है। मैकेनिकल वेव कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन मीडिया विच प्रोड्यूस प्रोसेस इलास्टिसिटी एंड इनर्सिया, अगर इलास्टिसिटी है इनर्सिया है तभी मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होगा, ओके इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैकेनिकल वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है सारे डायरेक्शन में नहीं, जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में एनर्जी को प्रोपेगेट करेगा, तो और डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन एज वेव। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। दो टाइप के होते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, सही है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन मीडियम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो स्पीड जो साउंड का स्पीड है वो तीनों पे डिपेंड करता है, मीडियम पे देखते हैं कि वैक्यूम में साउंड आपका ट्रेवल नहीं कर पाती है तो मीडियम चाहिए ना, टेम्परेचर ठंडा गर्मी में आपको देखिए साउंड का प्रॉब्लम होगा, ह्यूमिडिटी में आप देखिए बरसात के समय में, तो 1, 2, 3। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका सिल्वर होगा, फिर कॉपर होगा, फिर गोल्ड होगा। इसमें कौन एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी जैसे कि मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, वॉल्यूम है, इसमें आपके डायरेक्शन नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो तो वो कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर तो स्केलर क्वांटिटी हमारा पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम डायरेक्शन होता है, एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, तो ये हमारा सारे क्या वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मींस की सदिश राशि, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे अर्थ पे लगता है वो कैसे लगता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण लगता है, ग्रेविटेशन ही लगाता ना हर एक चीज पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कहता कोलाइड्स कौन नहीं है, कोलाइड बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, तो कोलाइड्स इसमें आपको कौन है, हनी आपके कोलाइड्स नहीं है। 121 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा हनी। सवाल नंबर चलेंगे 122 की ओर। सवाल नंबर 122 क्या कहता है भाई, इसको देख लेते हैं एक बार। क्रोलाइट किसका अयस्क है, देखिए क्रोलाइट की बात करेंगे तो अल्मोनियम का अयस्क है, बॉक्साइट है, क्रोलाइट है, कोरंडम है, डेस्पोर है, ये सारे अल्मोनियम के अयस्क हैं, ठीक है। कह रहा है कि रस्टिंग जब होगा, जब भी जंग लगता है तो आयरन का वेट क्या होगा, बढ़ता है, आयरन का वेट क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीजन और एयर कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा, तो आयरन ऑक्साइड थोड़ा वेट बढ़ेगा ना, तो वेट बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। कह रहा है कि इंसेक्टी वायरस जो प्लांट होते हैं वो, जैसे कि देखिए नाइट्रोजन तो होना चाहिए भाई, मिट्टी में नाइट्रोजन होना चाहिए कोई प्लांट को बढ़ने के, लेकिन इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कीटभच्छी पौधे होते हैं वो जहां पे नाइट्रोजन नहीं होगा ना वहां पे होंगे, तो नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिलने देखने को मिलते हैं, पीचर प्लांट हो गया आपको एग्जाम्पल में, ठीक है, क्योंकि वो जो इंसेक्ट को मारते हैं ना उन्हीं से वो नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। वुड स्प्रिट मिथेनॉल, मिथेनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, वुड स्प्रिट बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। 125 नंबर सवाल का हमारा ए उत्तर हो जाएगा CH3OH, पता है ना आपको CH3OH मेथनॉल, ओके। आर्टिफिशियल पॉलीमर कौन है, इसमें से अगर कृत्रिम आर्टिफिशियल पॉलीमर की बात करें तो नियोप्रीन, बाकी सब देख सकते हैं, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब क्या है, ये सब ऑलरेडी ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं, काइटिन, फंगस, क्या जो सेल वॉल काइटिन से बना होता है, फंगी का, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रिलीफ फ्रॉम प्रिवेंट, हाँ पेन, जब दर आपको मतलब एक तरह से पेन निकलर के रूप में, एनेस्थेटिक्स काम भी करते हैं, एनर्जेसिक काम करते हैं पेन निकलर के रूप में, लेकिन एनेस्थेटिक भी, कोई भी किसी को ऑपरेशन करना होता है कि दर्द का एहसास ना हो तो उसको बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जेसिक हो या एनेस्थेटिक, दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से पेन को रिलीफ करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। जूस देखिए, जो भी आप जूस पीते हैं, जो पैक जूस रहते हैं, तो वो जूस तो सड़ जाना चाहिए ना। देखिए एक टाइम होता है कि जूस खराब होता है, लेकिन वो उसमें एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, वो जूस में एक प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो भी ड्रिंक पीते हैं उसमें एक एसिडिक प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं जूस में भी सोडियम बेंजोनेट और पोटेशियम सोर्बेट, सोडियम बेंजोनेट और पोटेशियम सोर्बेट का इस्तेमाल होता है। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर ई होगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक हो या फ्रूट जूस हो, वो बहुत दिन तक मतलब उसमें फर्मेंटेशन नहीं हो पाता, बच जाता है, मीन सड़ते नहीं है और फ्रेश लगते हैं। पेडागोगी, मिट्टी का अध्ययन पेडागोगी कहलाएगा, ठीक है, सॉरी पेडोलॉजी, पेडागोगी ना, पेडागोगी अलग हो गया, वो बच्चों को पढ़ाने की जो होती है पेडोलॉजी। इसमें कह रहा है कि मैच करना है, पोरीफेरा है आपका, देख सकते हैं 130 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए 130 नंबर सवाल की बात करेंगे तो बहुत ही, देखिए अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन तब समझ में आएगा। पोरीफेरा क्या एक तरह का स्पॉन्ज है, क्या एक तरह का, क्या है वो स्पॉन्ज है। दो नंबर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जैसे कि जेली फिश है, हाइड्रा है, ये सब किस में आते हैं, सिलेंट्रेटा में आते हैं, हाइड्रा जेली फिश। प्लेटीहेलमेंथिस में अगर बात करते हैं तो फ्लैट बॉम्ब, टैप बॉम्ब, ये सब जो बॉम्ब है, फ्लैट बॉम्ब, टैप बॉम्ब, ये सब कहां आते हैं, प्लेटीहेलमेंथिस में। लेकिन नेमाटोडा में क्या आएगा, नेमाटोडा में आपके आते हैं राउंड बॉम्ब। तो इस सवाल का उत्तर होगा 2341, ठीक है। एक सवाल नंबर 30 हमारा हो गया, सवाल नंबर 131 खत्म करने वाले हम लोग। सेकेंडरी कंज्यूमर, जो भी दूसरे पे, जो भी जीव दूसरे जीव पे या दूसरे चीज पे अगर वो डिपेंड है तो वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। ओके, तो आपके लिजार्ड है, ग्रास ऑपर है, स्नेक्स है, मॉस, सब कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे टिश्यू को कितने भागों में हम लोगों ने बांटा है। तो टिश्यू को जो हम लोगों ने बांटा, हमने मतलब टिश्यू मतलब कहने का मतलब उत्तक, उत्तक को हम लोगों ने चार भागों में बांटा, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो फोर, सबसे ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जब जब ब्रेकडाउन होगा, जब फैट का जब ब्रेकडाउन होगा तो सबसे ज्यादा वो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, तो फैट। थायमिन, इसमें कह रहा है कि कौन इसमें, 34 में कह रहा है कि कौन इसमें गलत है। थायमिन बेरी बेरी सही है, कोबालामिन से एनीमिया सही है, नियासिन पिलाग्रा सही है, पर्डक्सिन, पर्डक्सिन पता ना विटामिन B6। तो फॉलोफिर ने, अगर विटामिन B6 की कमी है तो आपको एनीमिया या कोई स्किन डिजीज हो सकता है। फॉलोफिर अगर आपको बाल गिर रहा है तो आपका, आपको विटामिन B7 की कमी है, मीन्स वाइटिन की कमी है, किसी कमी है, वाइटिन की कमी है। ओके, अब ये थायमिन, कोबालामिन, नियासिन, पर्डक्सिन किस को बोलते हैं, सब ध्यान में दीजिएगा। मैंने पूरे विटामिन को कंप्लीट करवाया है 45 सीरीज में अच्छे तरीके से। कह रहा है कि हर साल जो सीड चेंज होगा उसको किस तरह का सीड बोलेंगे, तो हाइब्रिड सीड बोलेंगे। कह रहा है कि जो आपके मक्का उसमें व्हाइट वर्ड्स लग जाते हैं किसके कारण, किसके डिफिशियंसी कारण, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके व्हाइट वर्ड जो लगते हैं आपके मक्का में, मकई में, वो जिंक के कमी के कारण, ठीक है। अगर जिंक नहीं रहेगा तो आप देख, जिंक अगर कमी रहेगा तो व्हाइट वर्ड डिजीज हो जाएगा मक्का में, ठीक है। इसमें कह रहा है कि रेड ब्लड पिग, मतलब हीमोग्लोबिन के बारे में कह रहा है, इसमें आयरन होता है, बताइए हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, हाँ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है तो आयरन होगा उसमें। इट इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, रेड कलर देता है ब्लड को, सही बात है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, नहीं इम्यूनिटी ये नहीं देगा, इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए हमें, एंटीबॉडी चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑक्सीजन का जो अगर कैरियर के रूप में काम करता है, ऑक्सीजन ढोने का काम करता है तो हीमोग्लोबिन करता है। 1, 2, 4 इज द राइट आंसर। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारे शरीर में, हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन, एक सेकंड में हिंदी देख लूं इसका, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, ठीक है। सवाल नंबर 139,
कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव जूस के लिए? तो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करने के लिए सेक्रेटिन हार्मोन ही करेगा। कौन करेगा? सेक्रेटिन हार्मोन ही करेगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखने से 39 का उत्तर हमारा ये हो गया। ठीक है, कह रहा है कि जिरोप्थैल्मिया, जब विटामिन ए की कमी होगी तो आपको जिरोप्थैल्मिया हो जाएगा। आंख की बीमारी है, विटामिन ए की कमी होगी तो जिरोप्थैल्मिया हो जाएगा। अभी जो सारे जो मैथ है, ये मैथ के सवाल खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको सारे मैथ के सवाल दिखा देता हूँ। सिंपल सिंपल सवाल है, सारे सिंपल। देखिए, पांच आदमी दो बच्चे मिलके काम कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल मैथ के सवाल है। क्योंकि मैथ के सवाल में सॉल्व करूंगा तो कम से कम 10 सवाल में 15 मिनट चले जाएंगे आपके। तो ये सब सारे सवाल है, मैं आपको ये सारे पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का सेशन समाप्त होता है, कल मिलेंगे। कल अभी हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा 150 सवाल होगा उसको डिस्कस करेंगे, और कल जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्कस करें, थोड़ा डिटेल में डिस्कस मैंने किया थोड़ा सा। तो कल आज थोड़ा सा जो भी चीजें मिस्टेक्स हुए उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। थोड़ा सा पीडीएफ में आपको देखिए प्रॉब्लम हुआ है, बार बार इधर से इधर हुआ है, तो उसको इग्नोर करिएगा और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। और अच्छा लगता तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।